प्लीज वेलकम सलमान खान। भाई दबंग पहली जब आई, उसके बाद दो साल बाद दबंग सेकंड आई, और दबंग तीन को आने में 7 साल का गैप लग गया। तो भाई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी कि कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी आपको लॉन्च करने? हमारी हीरोइन बहुत छोटी थी उस वक्त, उनको पानी डाल डाल के उनसे बढ़ा रहे थे। जब मैंने सोनाक्षी का देखा है, या तो सलमान भाई के साथ पिक्चर्स करती हैं या अक्षय पाजी के साथ, हमारा कोई स्कोप है कि हम अर्चना जी को देख देख के बूढ़े हो जाएं? सब जानते हैं कि सोनाक्षी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी दबंग से, आज आपका डेब्यू होने जा रहा है। सोनाक्षी आपने फिर इनको मुबारकबाद दी कि मुबारक हो आपको द कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? सलमान भाई मैं आपसे इतनी बार मिला हूँ, फिर भी ना कभी कभी पता नहीं क्यों यहाँ आपकी फिल्मों को देख के ऐसा प्रभाव रहता है कि आप हमेशा गुस्से में होंगे। नहीं नहीं नहीं, हकीकत में वो एक है मेरा इम्प्रेशन, वो रखना भी होता है भीड़ भाड़ के अंदर, नहीं तो आप चले गए आप यूँ किए तो अरे बेटा कैसे हो तुम्हारी। और अपने फैंस सब ऐसी हैं। भाई मैंने देखा जब आप फिल्मों में जब आपने शर्ट उतारी है नीचे बनियान नहीं पहनी होती, तो जब आपने पैंट उतारी तो नीचे मोजे पहने हुए थे आपने। वर्दी की शर्ट लंबी थी। अच्छा लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कोई कपड़ा लेते हैं टैग निकालना भूल जाते हैं, या है ना कभी कभी कोई पैंट फट गई, लड़कों के साथ तो और भी बुरा होता है भाई, कभी कभी जिप खुली रह जाती है। हमेशा रह जाती है। अच्छा लड़कियां कभी नहीं नोटिस करती हैं, ये लड़का ही लड़के का जिप नोटिस करता है।